हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की स्पेशल डिश अरबी के पत्ते, या फिर आप इसे गट्टे भी कह सकते हैं। इसे बेसन लगाकर या फिर उड़द की दाल से भी बनाया जाता है। मैं आपको बहुत ही आसान, टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे नाश्ते के साथ या फिर लंच डिनर किसी भी टाइम आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अरबी के साथ पत्ते लिए हैं। इसे मैंने पानी से अच्छे से धोकर और कपड़े से साफ कर लिया है। अब देखिए, ये जो इसका बीज का डंठल है, इसे हम कैंची से कट कर लेंगे। इसका जो मोटा डंठल है, बस हम उतना ही काटेंगे। जहाँ तक ये मोटा है, इसे बहुत ज़्यादा आगे तक हम नहीं काटेंगे, बस इतना ही काटेंगे। इस तरह से सभी पत्तों के डंठल हम काट लेंगे। इसके डंठल निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके डंठल नहीं निकालेंगे तो जब इसे हम रोल करेंगे तो ये टूट जाएंगे। बाउल में हम 1.5 कप बेसन लेंगे, तो ये मैंने 1 कप बेसन लिया है और ये 1/2 कप। इसमें 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। खटाई के लिए 1/4 चम्मच टाटरी मतलब नींबू का सद डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच तिल, 1 चम्मच नमक डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका काढ़ा पेस्ट बना लेंगे। जिस कप से मैंने बेसन लिया था, उसी कप से ही मैंने पानी भी लिया है। ये मैंने बैटर तैयार कर लिया है। इसमें मुझे 1 कप पानी लगा है और करीब 3 से 4 चम्मच पानी लगा है। तो देखिए, इस तरीके से हमें बैटर को इतना गाढ़ा रखना है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पतला रहा तो जब हम रोल बनाएंगे तो बेसन बाहर निकलेगा। ये मैंने एक अरबी का पत्ता लिया है, इसे उल्टा रखा है और इस पर हमने जो बेसन का बैटर है वो इस पर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसन हमें नहीं लगाना है, हल्की सी पतली सी इसमें लेयर लगाना है। आपको इसे साइड के कॉर्नर तक नहीं लगाना है, थोड़ा कॉर्नर आपको छोड़ना है। इसे हम इस तरह से पलट देंगे और इस पर भी हम पतली सी लेयर लगाएंगे बेसन की। इस पर 1 पत्ता और रख देंगे, तो टोटल मैं यहाँ पर 3 पत्ते का रोल बना रही हूँ। तो इस पर भी हम हल्का सा बेसन लगा देंगे। इसी तरह हम एक और तैयार कर लेते हैं, तो इस पर भी हम बेसन लगा देंगे। ये मैंने उल्टा पत्ता रखा है और इस पर भी हम इस तरह से बेसन लगा देंगे। दूसरे पत्ते को इस तरह से फिर से पलट देंगे और इस पर भी हम हल्का सा बेसन लगा देंगे और इस पे फिर से तीसरा पत्ता रखेंगे इस तरह से और इस पर भी हम हल्का सा बेसन लगा देंगे। अब देखिए, ये जो पतला हिस्सा है, इसे इतना हम फोल्ड करेंगे और इसे पतला पतला सा इस तरह से टाइट रोल करेंगे। इस तरह से सभी पत्ते रोल कर लेंगे और आपको ये ध्यान रखना है कि बेसन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है। स्टीमर में पानी डालकर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सभी जो हमने रोल बनाए हैं वो रख देंगे। इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है, इसे हम नीचे रखेंगे। एक बार मैं आपको वापस से रोल करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको रोल करना है
और टाइट रोल करना है। इससे क्या होगा कि इसकी परत खुलेगी नहीं। स्टीमर में हम इसे 20 से 25 मिनट तक स्टीम करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे हम चाकू लगाकर देख लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से पक चुका है। सभी रोल्स को बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। सभी रोल्स को मैंने ठंडा कर लिया है और अब हम इसे चाकू से काट लेंगे एक एक इंच की गैप में। तो देखिए, इस तरीके से आप इसे काट लें और ये कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, इस तरह से हम सभी गट्टे काट लेंगे। ये मैंने सभी गट्टे काट लिए हैं और अब हम इसमें छोंक लगाएंगे। पैन में 3 बड़े चम्मच मैंने तेल गरम किया है। इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे और ये मैंने आधा चम्मच सौंफ ली है, 2 बड़े चम्मच तिल और 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। इसे भी तेल में डाल देंगे और इसमें 15 से 20 पत्ते में मीठे नीम के डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे ताकि हम इसमें मसाले डालें तो जले नहीं। अब हम इसमें सभी मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने अरबी के गट्टे बनाए हैं वो सभी डाल देते हैं। इसे हम इस तरह से टॉस करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अरबी के गट्टे टूटे नहीं। अब हम गैस की फ्लेम चालू कर देंगे और 2 मिनट इसे पका लेंगे। आप इसे इस तरह से चम्मच से भी हिला सकते हैं। और ये देखिए, सभी गट्टे मिक्स हो गए हैं और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस पर कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और धनिया पत्ती से इसे गार्निश करेंगे।